अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वासिफ हफीज़ वासिफ़, और आप लोग देख रहे हैं वार प्रोडक्शन एज़ यूजुअल। तो काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे पास कोई वीडियो का थीम था ही नहीं, तो मैंने सोचा और मेरे में कोई थीम भी नहीं था कि यार मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा क्यों ना मैं यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज पर जाऊँ। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज जो है वो सबसे बुरा पेज है यूट्यूब पर, कि वहाँ पर पता नहीं किस टॉपिक पर वीडियोज ट्रेंडिंग पर आती हैं, आई डोंट नो, और कैसे आती हैं पता नहीं। तो जब मैं यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर गया, वहाँ पर नंबर वन पर यूट्यूब पाकिस्तान में एक सॉन्ग जा रहा था ट्रेंडिंग पे यूट्यूब पाकिस्तान में, वो था बारी 2 उच्चियाँ दीवारा 2, जिसका लास्ट सॉन्ग आया था बारी 1 पिछले साल, और जो काफ़ी ज़्यादा हिट था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और वायरल हुआ था। तो अब उसका आया था पार्ट 2 बारी 2। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सॉन्ग देखते हैं और इस सॉन्ग पर करते हैं वीडियो शूट आज के ना। इस सॉन्ग पर दूंगा अपना मैं रिएक्शन, एक सस्ता सा रिएक्शन दूंगा इस सॉन्ग पर। मैंने तो सॉन्ग देख लिया, अब मेरे जो फीलिंग्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू आप तक मैं पहुंचाऊंगा। सॉन्ग है बिलाल सईद का और साथ है मोमना मुस्तहसन का और साथ राहिम परदेसी का हुआ है नाम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सॉन्ग में। तो आइए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो चलो चलो, पहली बात यहाँ मैं कर दूँ वाजिया के नाम है राहिम परदेसी से कोई इशू है? राहिम परदेसी का तो मैं इनफैक्ट फ़ैन रह चुका हूँ पहले, और ना मेरा मोमना मुस्तहसन से कोई इशू है, मैं उनके गाने भी सुनता रहा हूँ। ना मेरा बिलाल सईद से कोई इशू है, बिलाल सईद तो हमारी यूनिवर्सिटी में आया था कॉन्सर्ट पे, तो उससे भी कोई इशू नहीं मुझे। जस्ट एक फ़नी वे में मैं उनके सॉन्ग पे दूंगा एक छोटा सा रिएक्शन, 3 से 4 मिनट के मैक्सिमम भी, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की, जस्ट एक रैंडम वीडियो है बिल्कुल। तो मैंने जब बारी सॉन्ग ओपन किया तो मेरे में था कि यार कुछ ना कुछ तो मज़े का होगा, लाइक कुछ ना कुछ लिरिक्स चेंज होंगे या कोई ना कोई स्टोरी चेंज होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो जी एज इट इज़ सेम सॉन्ग, बिल्कुल सेम सॉन्ग, लिरिक्स सेम, सब कुछ सेम, वर्डिंग भी सेम, चाय भी सेम, खोखा भी सेम, बंदे भी सेम, बस इसके अंदर स्टोरी थोड़ी सी चेंज थी। स्टोरी ये थी कि राहिम परदेसी बिलाल सईद के घर अपने होने वाली बीवी को ले आता है और ऊपर छत पर ले जाता है सीधा ही, बिना किसी इंट्रोडक्शन के कौन है, सीधा छत पर पहुँच कर उसे बताता भी नहीं कौन है, वो पूछता है भाई ये कौन है, फिर वो कहता है कि ये तेरी होने वाली भाभी है। तो ठीक है, बिलाल सईद के पास कहता है कि यार सच, हाँ कोई मिठाई उठाई लेके आ, बिलाल सईद कहता है। तो वो मिठाई लेने जाता है राहिम परदेसी और अपनी बंदी को उसके पास ऊपर छत पे छोड़ रहा था कि आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लो, मैं जरा ना मिठाई लेके आया शेक स्वीट की। उतनी देर में ऊपर सात वाली छत से जो कि उसकी हमसाया है मोमना मुस्तहसन, बिलाल सईद की गली में ही रहती है और उसकी हमसायेदार है, वो अपनी छत से देखती है बिना सोचे समझे ना, उसे पूछती है, अपने दिल में इतना थीम बना लेती है कि ये बिलाल की बंदी है। ठीक है, बड़ा फजूल कॉन्सेप्ट है कि भाई उस पर पूछ तो सही, कौन है तेरी, कोई कजन है, बहन है, चाची ताई, कौन है, ना पूछा ना कुछ और, अब जेम ना लिया। अब नेक्स्ट डे जब वो चाय पीने आते हैं वहाँ पे, तो वो मोमना मुस्तहसन बिला वजह आके कुछ बोलती भी ना कि उसकी चाय शपाक, ये क्या था यार, इतना ओवर रिएक्शन, इतनी गंदी एक्टिंग, उससे पूछ तो ले वो कौन थी, 50 रुपये का चाय का कप भी कर दिया वेस्ट। तो ये मज़े का नहीं था थीम, मज़े का नहीं था यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद सॉन्ग में तो मज़ा नहीं आया, ठीक है सॉन्ग मज़े का था, इसे हम बारी 2 नहीं कह सकते ना, बारी 1 का ही था, सेम था, कुछ भी नहीं चेंज किया। नहीं मैं उच्चियाँ दीवारा रखियाँ, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में नहीं मैं उच्चियाँ दीवार रख दियाँ ऐसे दिल दे चार सफेद, सेम गाना सेम वर्डिंग, बस ता है तीखा का फर्क था, बस वहाँ था कि प्रेजेंट में मैं रखती हूँ, यहाँ था मैंने रखी थी पास्ट, सिर्फ इतना फ़र्क है पूरे गाने में, और कोई थीम नहीं है। जो एंडिंग है उसमें उससे होता है एहसास कि मैंने गलत किया, तो एंडिंग हैप्पी है। तो ये है सारा थीम सॉन्ग का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।